सुप्रभात छात्र, लोट लकार। पिछले कक्षा में मैंने लोट लकार के प्रत्यय को बताया था, यानी फॉर्मूला को, कि क्या होता है इसका फॉर्मूला और फॉर्मूला के साथ धातु को किस प्रकार लगाया जाता है। आज मैं बताऊंगी कि फॉर्मूला के साथ धातु लगाने के बाद सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, वो आज मैं बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। लोट लकार, जिसका अर्थ होता है अनुज्ञा या आज्ञा। अनुज्ञा मतलब हो गया किसी को अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना। आज्ञा हो गया किसी के लिए बाय फोर्स वो काम करवाना, है ना। तो इसका फॉर्मूला का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों में क्या होता है। प्रथम पुरुष एकवचन में तू, प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंतु। तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष का हो गया अतम, त। इसे हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, ही तम त। लेकिन जब फॉर्मूला लिखित रूप में आता है तो वो अ हो जाता है, अतम त। उत्तम पुरुष में हो गया आनी, आव, आम। अब इसमें आपको लिख धातु लगा के शब्द क्या बन गया हमारा फॉर्मूला के साथ, लिख प्लस तू लिखतु, लिख प्लस ताम लिखताम, लिख प्लस अंतु लिखंतु। मध्यम पुरुष में लिख प्लस अ क्या हो गया, लिख। चूंकि यहाँ हलंत है यानी ख आधा है, स्वर लग गया, स्वर लगने से हमारा आधा व्यंजन पूरा हो जाता है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट ख। तो क्या हो गया, लिख। लिख प्लस तम लिखतम, लिख प्लस त लिखत। उत्तम पुरुष में हो गया लिख प्लस आनी लिखानी, लिख प्लस आव लिखाव, लिख प्लस आम लिखाम। अब सेंटेंस हमने लिया है किसमें से, आपके बुक से, पार्ट पांच से ही। ये चार सेंटेंस मैंने लिया है, इन चारों सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे ये सीखना है हमें, है ना। सेंटेंस क्या है, छात्र पाठ को याद करो। ये क्या दिया जा रहा है, आज्ञा कहा जा रहा है, ये काम तुम्हें करना है। किसको करना है, पाठ याद करना है। तो छात्र का संस्कृत क्या होता है, छात्र, एक वचन है छात्र। आप लोग पहले से भी जानते हैं कि प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। तो ये छात्र एक वचन प्रथम पुरुष का है, तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला तू लगेगा, कौन से धातु में लगेगा, याद करना, है ना। याद करना एक काम है, क्रिया है, इसी क्रिया में क्या लगेगा, हमारा तू फॉर्मूला लगेगा। तो याद करना को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, स्मरण, स्मरण करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, छात्र पाठ को, किसको, पाठ को, पाठ को। तो क्या हो जाएगा, पाठम स्मरतु, स्मर धातु में क्या लग जाएगा, तू लग जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, स्मरतु, छात्र पाठम स्मरतु। श्रेया तुम फल को खाओ, नेक्स्ट क्या है, श्रेया तुम फल को खाओ, यानी फल खाने के लिए उसे मैंने आज्ञा दिया या किसी ने आज्ञा दिया। तो श्रेया का श्रेया नाम का नाम ही हो जाएगा, क्योंकि ये आकारांत है यानी स्त्रीलिंग है, लड़की है, तो स्त्रीलिंग के लिए कोई विसर्ग नहीं लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्रेया तुम फल खाओ, तुम का क्या हो जाता है, त्वम, संस्कृत त्वम, फल को खाओ।
यहाँ चिन्ह छुपा हुआ है, किसको खाना है? फल को खाना है, तो फल को क्या हो जाएगा? फलम खाओ। यहाँ क्या है? तुम है, यानी मध्यम पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओ, किसमें लगेगा? खाना धातु में। खाना का क्या हो जाता है? खाद। खाद प्लस ओ क्या हो जाएगा? खाद। श्रेया त्वम फलम खाद। सर क्या मैं पानी पीऊं? सर से ये आज्ञा ले रहा है, क्या मैं पानी पीऊं? सर का क्या हो जाएगा संस्कृत? आचार्य। तो हम लोग आचार्य को सिर्फ आचार्य नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हे आचार्य, हे आचार्य। क्या का संस्कृत क्या होता है? किम। किम अहम जलम पिवानी। अहम के साथ क्या लगेगा? पिवानी। उत्तम पुरुष का है अहम, आवाम, वयम होता है ना। सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो क्या हो जाएगा? हे आचार्य किम अहम जलम पिवानी। अब देखिए नंबर फोर, तुम दोनों छात्र लेख लिखो। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? मध्यम पुरुष। तुम दोनों, तुम लोग होता है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? त्वम युवाम यूयम है ना। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया सह तौ ते, यहां क्या हो जाएगा? त्वम युवाम यूयम। और यहां क्या हो जाएगा? अहम आवाम वयम। वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते, किसमें आया? प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या आ गया? त्वम युवाम यूयम। और उत्तम पुरुष में क्या आ गया? अहम आवाम वयम। इसी को बनाना है हम लोग को। कैसे बनाना है? हे आचार्य किम अहम जलम पिवानी। अहम यहाँ है, अहम के साथ क्या फॉर्मूला लगा? आनी। अब क्या देखना है? तुम दोनों, तुम दोनों के साथ क्या फॉर्मूला लगेगा? कहाँ है तुम दोनों? यहाँ है। त्वम युवाम, तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों। तो तुम दोनों के साथ क्या लग जाएगा? तम। तुम दोनों, तो तुम दोनों का क्या होता है? युवाम युवाम लेकिन यहाँ क्या है? छात्र। तुम दोनों छात्र, कोई पर्टिकुलर किसी को कहा गया है? किसको कहा गया है? तुम दोनों छात्र। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? दोनों छात्र का क्या हो जाता है? छात्र, छात्राओं, छात्रा होता है ना। तो तुम दोनों का क्या हो जाएगा? छात्रों। तुम दोनों छात्र, छात्रों। लेख लिखो या लेख को लिखो तो क्या हो जाएगा? लेखम लिखो। लिख धातु में क्या जुड़ जाएगा? तम।
क्या हो जाएगा? लिखतम। देख लिया आप लोगों ने कैसे सेंटेंस बनता है? छात्रं पाठं स्मरतु, छात्र पाठ को याद करो। स्मर धातु में तू लग गया है ना, त्वम के साथ क्या लगा? औ लगा, क्योंकि मध्यम पुरुष में होता है त्वम, और खाना जो कि क्रिया है तो खाना का संस्कृत होता है खाद, खाद के साथ क्या लग गया? फॉर्मूला औ लग गया, खादा त्वम फलम खादा। सर क्या मैं पानी पीऊं? हे आचार्य किम अहम, क्या मैं पानी पीऊं? पानी का होता है जल, जलम पीऊं, पिब में क्या लग गया? आनी, पिबानी, है ना सिंपल। अब देखिए तुम दोनों छात्र लेख लिखो, तुम दोनों छात्र का क्या हो गया? छात्रो, लेख को लिखो लेखम लिखतम, लिख धातु में क्या लग गया? तम, क्योंकि दो छात्र थे तो यहाँ क्या हो गया? लिखतम। सीख गए आप लोग कैसे बनता है? तुम दोनों छात्र, छात्र छात्रो छात्रा, तो क्या हो गया? एक छात्र दो छात्र अनेक छात्र, तो छात्र छात्रो छात्रो के साथ क्या लगा? ताम, तो क्या हो गया? लिखताम, छात्रो लेखम लिखताम। अब आगे आप लोग इस पाठ को रीड करेंगे मेरे साथ, किस तरह से इसमें सेंटेंस लिखा गया है और इसका अनुवाद क्या होता है मैं पढ़ के आपको बताते जाऊंगी, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है? धन्यवाद।